चलो एक्सीडेंट तो होना तो हो गया। पूरी हमने लालटेन वगैरह लगा लगा रखी है। सुबह सुबह हो गई है, रात हो गई है, हम फंस गए हैं बिल्कुल। कितना अद्भुत है, क्या कर रहे हो प्रजिता? क्या नजारे हैं, देख लीजिए धर्मशाला के मजे। जो व्यू धर्मशाला से आता है ना पहाड़ों का, वो बहुत बहुत करीब लगता है, भाग के पकड़ बहुत हाँ करीब लगता। मैंने कई बार नोट किया प्रताप ने, मैंने भी यही सेम। और कांगड़ा ये आगे चलो एक्सीडेंट तो होना तो हो गया। कांगड़ा में यही लगता है कि बड़ी ना पास पास लगती है सारी ये स्नो पीक्स। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब जो होना था सो हो गया, हम सोचते हैं बड़ा नुकसान होना, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन नजारे देखो, अल्टीमेट है, टू गुड है, ब्यूटीफुल है, क्या बोलूं मैं नेचर को। और साफ सुथरी जगह भाई हमारी धर्मशाला, सामने देखो डेडलीस्ट। ये देखो मैं शीशा नीचे कर देता हूँ, पूरा व्यू देखो आप, जूम भी कर दे, जूम भी कर दे एक बार। ऐसा लगता है कि जैसे भाग के पकड़ लो। कितने बड़े बड़े गिद्ध बैठे हैं आप देखो, या तो कोई जंगली जानवर बैठा है यहाँ पे मरा हुआ। ये देखो कितने सारे हैं, पीछे भी देखो आप पूरे में बैठे हुए। हम निकलते हैं इससे पहले कि कोई गिद्ध, हम किसी का गिद्ध खाना बन जाए। लेकिन बड़े बड़े हैं, पर इससे ज्यादा मैंने एक बार देखे थे, मैं कल्पा की साइड से आ रहा था, वो तो पूरे आदमियों से बड़े बड़े थे। ये वो होंगे ना, चील काफी काफी बैठे देखो, ये उड़ के देखो, तो काफी ना अलग सा टेरेन आ गया है, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ये अलग अलग लग रहा है, पर चलो कोई नहीं, जैसे भी है वापस भी आना रात को हमें। लंच में तो वैसे पूरी महफिल जम रही है, लेकिन रास्ता तो सुनसान बहुत था, रास्ता थोड़ा ना ऐसे ही है, मतलब लेकिन है तो सुंदर। हम जैसे शहरों के नॉर्मल लोग होते हैं, लगता पता नहीं क्या लूटे लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये तो कोई फाइव स्टार होटल सा लिखा गया। क्या बढ़िया आम के पेड़ हैं, देख लो पूरी, अब थोड़े दिनों में आम ये लटक जाएंगे इसके ऊपर। और ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है ना, यहाँ आने का मजा, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, मई जून में बहुत गर्मी होती है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। ये हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तब भी हमने कहा नहीं चलते यार, जो हो गया सो हो गया, आगे चलते हैं जिंदगी में, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और 2 किलोमीटर रह गया सिर्फ मेरा ट्रूर रॉक अनकट टेम्पल से, बताया प्राजिता ने, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। शाम को 5 बजे में भी शायद ये पार्किंग आ चुकी है हमारी, अब यहाँ पे पार्किंग करेंगे और देखते हैं। देखो गाड़ी यहाँ भी पहुंची हुई है, हम कहीं भी जा लो लोग मिल जाते हैं इंडिया में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग मिल जाते हैं। अच्छा अब दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ, इतनी दूर आने का, आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है, ये गाड़ी लगा दी, और ये देखो यहाँ से हम आए हैं, और ये है आप देखो, अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लग तो सुंदर है, ये एंट्री है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मिलेगा। ये है प्राइदा, कैसा है? हो हो, सर टिकट यहाँ से है, टिकट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देख लो ये भी इंडिया में ही है, इनको देखने के लिए हम इंडिया से बाहर जाते हैं। और ये देखो क्या अद्भुत नजारे हैं,
ये जितना आप देख रहे हो, आपने देखा था अजंता एलोरा दिखाई, एलोरा दिखाई थी हमने, एलोरा केव्स, ये वैसी है देखो। लेकिन कैसे बनाया ना उस शेप पे देखो आप, तो ये बैठने की सीट बना रखी है ना, बैठो। क्या कर रहे हो प्रजिता? देखो प्रजिता को खेल मिल गया है। तुम्हें खेल मिल गया ना? ये अभी हम चढ़ते हुए सीढ़ियों ऊपर आ गए थे, व्यू देखो आप, थोड़ा क्लोजअप भी कर देता हूँ। बहुत सुंदर है, आओ इधर ही चलता हूँ आपको, ये देखो। ये पानी का पॉन्ड है, पूरी खूबसूरत वैली है, खूबसूरत सब है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, धर्मशाला के बिल्कुल पास। आना है तो एक बार आना जरूर, अगर आप आए तो अच्छा लगेगा आपको। शाम को जब धूप पड़ रही है सनसेट होते हुए, तो ये मंदिर जो है और भी सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो ये देख लीजिए, और ये देखिए, ये है मंदिर और वो है, मैं दिखाता हूँ आपको पूरी। हाँ प्राइस ने बताया धौलाधार रेंज है और ग्रीन लग रहा है एकदम, पूरी वैली है। तो एक बार जब आए तो मेरे कहने पे आ जाना, जैसे मैं कहता हूँ आपको हमेशा, मजा नहीं आया तो पैसा वापस है, ये आपके कौशिक भाई का वादा है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत है, शाम के टाइम पे आप देख लो, बहुत ही अद्भुत दृश्य आ रहा है यहां से सामने से। ये सामने जैसे किसी ने व्हाइट कर्टेन को लगा दिया हो आपकी बालकनी में या आपकी खिड़कियों पे, सामने देख रहे हो नजारा। अब हमने आपको मंदिर के दर्शन करा दिए और अब हम वापस जा रहे हैं अपना धर्मशाला। तब तक आप देखिए, मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ गाड़ी को, शायद आपको दिख रहा होगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और GoPro जस्टिफाई भी कर रहा होगा इस व्यू को। और यहाँ के जो लोग रहते हैं कितने लकी है ना, रोज मॉर्निंग में दर्शन करते हैं। और अब हमें जाना, आज का पता नहीं दिन हमारा ऐसे उल्टा सीधा सा रहा आज, आपको पता नहीं हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया, वो आपने शायद पिछले व्लॉग में देख ही लिया है। प्लस हम तीन बार गूगल के रास्ता गलत दिखाया हमें, तो हमें बहुत ही सावधानी से धर्मशाला पहुँचना है, और आते रास्ता थोड़ा ख़राब था, अब थोड़ा हाईवे टाइप में लेंगे। भगवान से दुआ कीजिए कि हम सेफली जाएँ और आप हमारे अच्छे अच्छे व्लॉग हमेशा देखते रहें। आपका आज्ञाकारी ब्लॉगर
कुलदीप कौशिक। तो बढ़िया था, ये बताओ फिर अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, जो अभी भी बहुत दूर है, वो है 25 किलोमीटर। रात हो गई है, रात हो गई है, हम फंस गए हैं बिल्कुल, रात हो गई है। तो अब भैया वक्त आ गया है कि अब अपनी हम बेड वेड फिर खोलें और कहीं पर भी बढ़िया जगह देख के रात गुजारें और खाना वाना बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। कैंपिंग हर चीज इस गाड़ी में होगी, एज आई प्रोमिस्ड। कल रात को भी हमने गाड़ी में स्टे किया था और वो हम आपसे शेयर नहीं किया है, अभी करेंगे, फिर शेयर करेंगे आपसे। तो चलते हैं सीधा धर्मशाला, नड्डी जाएंगे सोचते हैं, वहीं देखेंगे कैंपिंग की कोई बढ़िया सी साइट। फाइनली आपने देख लिया, आज का दिन हमारा बहुत ही हेक्टिक रहा है और थोड़ा मूड भी अपसेट हो गया था। गाड़ी वाड़ी भी आपको पता, हमारी गाड़ी लग गई थी, और लेकिन अब क्या है कि यहाँ हम नड्डी में हैं इस वक्त और अपनी गाड़ी में हम आराम से लेटे हुए हैं। बारिश हो रही है यहाँ पे और कल पूरे दिन भी बारिश है, तो आज काफ़ी घूमे और लेट हो गए थे हम यहाँ पे आते। तो होटल का सीन था, आपको पता ही हमारा, ये आप देख लीजिए सेटअप पूरा, ये पूरी हमने लालटेन वगैरह देखो लगा रखी है और ये हम आराम से, देखो मेरे पैर भी पूरे वहाँ पहुँचे हुए हैं, देख लीजिए, और ये हम आराम से गाड़ी में लेटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैडम है अपराजिता और ये मैं लेटा हूँ आराम से। तो आई थिंक हमारी नाइट कैंपिंग हो रही है और जल्दी से बारिश हो रही थी तो खाना क्या बनाते, और कल भी सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 7-8 बजे तक कंटिन्यू बारिश है नड्डी में। अब जो व्यू हमने कैप्चर करने थे वो तो आपको दिखा दिए, और अब पता नहीं कल सुबह मौसम खुलेगा तो व्यू दिखाएं ना दिखाएं, पर कल भी हम एक्सप्लोर करेंगे। किसको प्रजा? कल तो यही मैक्लोडगंज को ही देखेंगे। हाँ, क्या दिखाओ बताओ? मैक्लोडगंज में जो होंगे पॉइंट्स वही देखेंगे। क्या पॉइंट्स है पता कुछ? हाँ, भागसू है मंदिर, वाटरफॉल है, नड्डी है, और एक धर्म स्थल का वो भी है ना, एक मॉन्स्ट्री। नहीं मॉन्स्ट्री तो नहीं जाएंगे, पर देखेंगे ना, जो गाड़ी वाड़ी की पार्किंग बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे, काफी ऊंची उल्टी सी चीज है, तो वो चीजें दिखाएंगे आपको जो बहुत कम लोग आपको दिखाते हैं। क्यों प्रीता? तो कल का भी प्लान हमारा बन चुका है और कल भी करेंगे एक्सप्लोर, और अगर कल हमारा मन नहीं भरा तो फिर भी कल भी यहीं रहेंगे हम, ठीक है? नहीं तो लेके जाएंगे नई डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जल्दी जल्दी आपको ये कैंपिंग वैम्पिंग के व्लॉग मिलते रहेंगे, कुकिंग भी, गाड़ी में, मतलब गाड़ी में सर्वाइव करना है हमने। आज हमारी गाड़ी में 3rd नाइट है, 1 yesterday, कल और आज, और आगे भी हम ऐसे सोने का प्रोग्राम कार में दिखाएंगे। एक बार ये एक्सपीरियंस लेके देखना चाहते हैं कि अच्छा लग रहा है और कि भाई स्कॉर्पियन में कर भी सकते हैं, बाकी तो ऐसे देखेंगे, अब आप बताएंगे हम सब चीज की कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस। जी जी जी, जैसे जैसे हमारा उतरेगा ट्रिप, बाकी ये देख लो अभी सारा बन गया, पूरा धूप अंधेरा बन चुका है पूरा, हमने बना रखा अपना, बाकी फुल अंधेरा है, हमने लालटेन वगैरह लगा के अपना, लालटेन बंद कर दूंगा। ये मैंने सीट सर जो पी है पीछे की तरफ किया हुआ है, पीछे की तरफ किया हुआ, पैर मेरे ड्राइवर से जहाँ स्टीयरिंग उधर बैठा हुआ है, आपके सामने पूरा मेरा पैर, ये पैर देख लिए पूरे मेरे वहाँ तक पहुँचे, थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी पड़ती है पर। हाँ हाँ हाँ, तो बिना मेहनत कुछ नहीं है, बिना मेहनत तो कुछ नहीं है। और आज हमारा थोड़ा वैसे ही मूड खराब हो गया क्योंकि वो गाड़ी वाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, बच गए, चले गए, हिमाचल पुलिस ने हमें सपोर्ट किया। हाँ, हिमाचल पुलिस ने, फिर वहाँ चले गए दूर, फिर थक गए आते आते, इतना 3 घंटे लगे आते हुए, 3 घंटे आते हुए लगे, फिर हमने भाई यहाँ पे अब लेकिन थोड़ा सेफ सी जगह, लेकिन मैडम ने जो जगह दिखाई ना, देखो मुझे मालूम नहीं था उसके बारे में, जो मंदिर था वो अनकट वाला, देखो कैसी जगह है ना, मसरूर, बहुत अच्छा लगा, और वो अच्छा लगा, आप भी आए तो जरूर जाना। तो गुड नाइट बोले, तो गुड नाइट, गुड नाइट। सुबह सुबह हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल रात से ही कंटिन्यूस बारिश हो रही है। अब राइता, हाँ जी, अब बारिश हो रही है तो हम तो अंदर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ, लेकिन जब आपको नेचर कॉल आता है, जब वॉशरूम जाना होता है, तो हमने अपना वॉशरूम तो सेट नहीं किया, और कहते हैं ना सर मुंडाते ओले पड़े, पूरी रात से बारिश हो रही है, और कुछ बनाना है या कुछ भी करना है, चाय बनानी है, कुछ भी कर ही नहीं सकते आप तो, आउटडोर में ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये तो भगवान का है ना, बारिश भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ कोई ढूंढते हैं, या तो इंडियन ऑयल कोई पेट्रोल मिल जाए जहाँ पे हम वॉशरूम कर जा सके। हाँ, या तो फिर कोई होटल फ्रेश हो सके, या कोई होटलों से बोलो भैया तू पैसे से ले और हम उसका वॉशरूम यूज कर सके।
चलते हैं। लेकिन बारिश देख लो कैसी है, आप पूरा हमारा ये गीला हो रखा है, ये इधर भी देख लो आप पूरा है, बारिश की बूंदें देख लीजिए आप, और वो फ्रंट पे भी हमारी जो विंड स्क्रीन है वहाँ पर भी पूरे बारिश के वो आ रखे हैं। तो करते हैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए, तो अभी कुछ देखते हैं कि हमें कुछ हो जाए हमारा इंतज़ाम, भगवान से आप भी भगवान से दुआ करो कि हमारा कुछ जुगाड़ हो जाए, यही दिक्कत होती है आउटडोर में है ना, और पूरे दिन की प्रेडिक्शन है बारिश होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता था बाहर बारिश हो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको बारिश हो रही है फुल टू, ये देख लो, और ये एक होटल है, मैं बता दूंगा लेक व्यू नाम है इसका, यहाँ पे एक भैया थे उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है कि आप अपना मेरा जो बाथरूम है जो मैं यूज़ करता हूँ, अब वैसे रूम का ही है, आप यूज़ कर लो, आप फ्रेश हो जाओ क्योंकि बारिश में तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं अभी दिन से दिखाऊँ आपको, मैं ये लेक व्यू है, अच्छा है और सस्ते रूम में, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 1000 रुपये 1200 में आपको ऑफिस में इजली मिल जाता है, पीक टाइम मिलता नहीं है, तो हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, नहा धो के बल्कि मैंने कपड़े वही पहन लिए हैं क्योंकि गाड़ी में ना बारिश में बार बार जाना कपड़े लाना बड़ा मुश्किल था। रूम भी अच्छा है, ये स्टेयर्स हैं, लेक व्यू है, अच्छा बना रखा भैया ने ब्रिटिश एरा के टाइप में, ये डाइनिंग भी है, ये भी रूम है, देखो तो अच्छा है। ये होटल था भैया, ये अभिषेक जी थे, इन्होंने हमारी हेल्प कर दी पूरी, थैंक यू अभिषेक जी। होटल का नाम क्या आपका? दो होटल है ना भैया, वक्रतुंड तो बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा होटल है, और ये 30 साल पुराना होटल है, तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगा अभिषेक जी का, और अगर आप भी आते हैं वैसे तो अच्छा है ये ना होटल लेक व्यू, ये बिल्कुल मेन रोड पे है। ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी को मैं वार्म अप कर रहा हूँ, अब देखता हूँ ट्रिप ए और बी की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व अभी यहाँ पे होता है। हो जा नहीं अभी 58 पे ही ख़त्म है, 58 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है देख लीजिए, और ये ट्रिप ए और बी है, और अभी 58 किलोमीटर, कल 58 किलोमीटर ड्राइव किया था, 9:21 हो गए हैं, 12 टेम्परेचर है, बारिश कंटिन्यूस हो जा रही है देख लीजिए, और अब लेकिन हम फ्रेश होकर बिल्कुल बाहर निकले हैं, 9318 मेरी गाड़ी चल चुकी है जिप मोड पे, तो ये आगे है नड्डी, तो देखते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है और आपको दिखाते हैं। यहाँ से अब हमारा सारा प्लान चौपट हो चुका है, बारिश और तेज हो गई, हाँ बारिश हो, सारा प्लान हमारा चौपट हो चुका है, सेटिंग गाड़ी देख कैसे बना रखी हमने, ऐसे लग रहा है बाजार है, जैसे कचरे खाने में बैठे हैं देखिए, हाँ तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ है भी नहीं तो और प्लान बनाते हैं फिर आज। ये जो सामने देख रहे हैं ये था व्यू पॉइंट, यहाँ से ऊपर पूरी पूरी चोटियाँ हैं लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, इस नड्डी से व्यू पॉइंट को देखने के लिए लोग आते हैं कि बारिश ने हमारा सब प्लान, देखिए अंदर आ रहा है सब कुछ, थोड़ा सा मैं शीशा ऊपर कर लेता हूँ, और ये है फ्रंट अप ऐसा हो गया हमारा, मज़ा पूरा आ रहा है लेकिन व्यू नज़र नहीं आ रहा सामने से, तो अब चलते हैं वापस, हम बहुत सुंदर नज़र आता है, बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से, जब भी आओ तो नड्डी आना जरूर आप एक बार, तो अभी हम चले कहाँ चले पड़ाई था, मैक्लोडगंज की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या सीन वहाँ पे क्या है, क्या सीन नड्डी का मेन पॉइंट, यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं लोग, देख लीजिए अच्छी पार्किंग बनी हुई है, और मैं थोड़ा शीशा नीचे भी कर देता हूँ, ये पार्किंग बनी यहाँ पे करते थे पहले, और ये आता पूरा का पूरा व्यू सामने का, ये थोड़ा नीचे रास्ता बना हुआ है, नीचे जाते हैं व्यू देखने के लिए, वहाँ कोई गाड़ी वगैरह अलाव नहीं है, एक बढ़िया सा मंदिर भी बना हुआ है, श्री मंदिर का नाम तो पता नहीं, तो ये है नड्डी द अल्पाइन विला, काफ़ी अच्छा अच्छा इंतजाम हो गया यहाँ पे, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बारिश और तेज हो रही है मतलब हमारी कहानी में पूरा क्लाइमेक्स जो है ना।